हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू लर्न विद दुनी। बच्चों की छुट्टियां चल रही है और ऐसे में बच्चों को पढ़ाई के लिए बिठाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे में काम आते हैं एक्टिविटी शीट्स। एक्टिविटी शीट्स से अब बच्चों की पढ़ाई इजी सिंपल एक्टिविटी थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम रिविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों की रिविजन लेने के लिए ये एक्टिविटी शीट आपको ज़रूर हेल्प करेगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी एक्टिविटी पसंद आई। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट एक्टिविटी शीट जो है ये बेस्ट है सोलर सिस्टम पे। तो LKG UKG के बच्चों को अब तक सन मून अर्थ ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं, तो इन्हीं पे बेस्ट रीडल्स है जो बच्चों को सॉल्व करनी है। तो अब यहाँ पे सन, मर्क्यूरी, वीनस, मून और अर्थ ये ड्रॉ किए हुए हैं, साथ ही में 4 स्पेसक्राफ्ट है। 2 को मैंने कलर किया है और 2 को मैंने बच्चे के लिए रखा है कि वो अपने पसंद से कलर कर सके। तो यहाँ पे हर एक स्पेसक्राफ्ट को नंबर दिए हुए हैं। ये स्पेसक्राफ्ट किस प्लैनेट की ओर जाएगा ये उस रीडल पे डिपेंड है। तो फर्स्ट रीडल है, आई एम द 3rd रॉक फ्रॉम द सन, आई एम स्मॉल प्लैनेट विथ लाइफ अराउंड, आई हैव जस्ट 1 मून। इसका आंसर है अर्थ। सो ये फर्स्ट नंबर का स्पेसक्राफ्ट को लेके जाना है अर्थ की ओर। सेकेंड रीडल, I am largest star in our solar system. You can see me at daytime. So, सबसे largest star जो है वो है sun. और ये इस last sentence से भी हम पता कर सकते हैं, You can see me at daytime. तो दिन में हमें सिर्फ sun ही दिखाई देता है। इस riddle का answer है sun. तो ये second number का spacecraft जाएगा sun की ओर। Third, I am something in the sky that seems to shine at night. I am not a star. I am Earth's satellite. So, इस रिडल के अनुसार seem to shine at night, जो रात में चमकता है। I am not a star, तो रात में तारे भी चमकते हैं पर मैं तारा नहीं हूँ। I am Earth's satellite. Satellite, so Earth का one and only natural satellite है moon. That means 3rd नंबर का स्पेसक्राफ्ट जाएगा मून की ओर। सो इस तरीके से बच्चों को रीडल सॉल्व करने हैं और इन स्पेसक्राफ्ट को उन पर्टिकुलर प्लैनेट या स्टार पे ले जाना है। और हम ये रीडल्स चेंज करके भी अगेन एंड अगेन ये दे सकते हैं या फिर प्लैनेट्स बढ़ा सकते हैं। अगर आपने बच्चों को इससे ज़्यादा प्लैनेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया होगा तो आप उसके ऊपर बेस्ट भी रीडल्स बच्चों को दे सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है व्हाट कम नेक्स्ट। अब बच्चों को बार बार ABCD जब हम लेते हैं तो वो भी काफ़ी बोर हो जाते हैं या इंटरेस्ट से रिवीजन नहीं करते। ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि इसे बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है एप्पल, बनाना, कैट, और बच्चों को बताना है कि अगला क्या होगा। सो एप्पल, बनाना और कैट में कॉमन क्या है, तो लेटर्स। सो अगर बच्चों को डायरेक्टली सॉल्व करना डिफिकल्ट जाता होगा तो बच्चे इसके नीचे अल्फ़ाबेट्स लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे A, B and C। दैट मीन्स नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होगा D। सो D फॉर डॉग। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स कट किए हैं, कुछ ड्रॉ किए हैं ताकि इनके कॉम्बिनेशंस मैं यूज़ कर सकूँ। सो इस तरीके से बच्चों को अगला क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे जैसे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी हम इसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ा सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। सेकेंड है फिश, गोट और हैट। तो F फॉर फिश, G फॉर गोट, H फॉर हैट, यानी नेक्स्ट होगा I। सो I से आंसर फिगर होगी इंडिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पिक्चर्स सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं ये सब मैंने बच्चे को इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कराए हैं, इन सब पिक्चर से बच्चा फेमिलियर है। अब बस यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि बच्चा वो रिकॉल कर सके। अब नेक्स्ट है मैंगो, नेल एंड ऑरेंज। दैट मीन्स M फॉर मैंगो, N फॉर नेल, O फॉर ऑरेंज। नेक्स्ट आंसर फिगर होगी P से। सो P से बच्चे को आंसर फिगर फाइंड करनी है जो कि है पैरेट। जैसे जैसे बच्चा इसमें इंप्रूव होता है वैसे आप डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा सकती है। अब यहाँ पे है बीट रूट, बफेलो और बॉटल गॉड। सो इन सब में कॉमन क्या है, राइट, बी। बी फॉर बीट रूट,
बी फॉर बफेलो, बी फॉर बॉटल गॉड. दैट मीन्स जो नेक्स्ट पिक्चर होगी उसे भी बी से ही स्टार्ट होना है. सो बच्चे को ये इन आंसर फिगर में से फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे बच्चा बॉल भी ले सकता है या फिर बी भी. सो बोथ आंसर फिगर होगी राइट. सो इस तरीके से बच्चों को ये एक्टिविटी शीट सॉल्व करनी है. अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी शीट है ये मैथ पे बेस्ड है. LKG में बच्चे 1 to 100 नंबर इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उस पर ही बेस्ड. छोटे छोटे रीडल्स है. चलिए तो फर्स्ट रीडल देखेंगे. फर्स्ट रीडल है कलर मी इन ब्लू. आई एम बिटवीन 47 and 49. बिटवीन नंबर फाइंड करना है बच्चे को 47 और 49 के बीच में. सो 47 और 49 का बिटवीन नंबर है 48. तो बच्चे को 48 नंबर फाइंड आउट करना है और उसे करना है कलर ब्लू. देन नेक्स्ट है आई कम आफ्टर 84. आई लाइक रेड. सो आफ्टर 84 होगा 85. सो बच्चे को 1 to 100 में 85 नंबर फाइंड आउट करना है और उसे कलर करना है रेड में. देन नेक्स्ट है आई एम जस्ट बिफोर 34. आई लाइक ऑरेंज. सो बिफोर 34 का बिफोर नंबर है 33. सो बच्चे को 33 फाइंड आउट करना है और उसे करना है कलर ऑरेंज. तो इस एक एक्टिविटी के जरिए हम बच्चों की बिफोर आफ्टर और बिटवीन नंबर की प्रैक्टिस काफी इजीली ले सकते हैं. साथ ही में सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी बेस्ट रीडल्स है. जैसे आई एम 6+1. आई लाइक रेनबो कलर्स. सो यहाँ पे बच्चों को एडिशन करनी होगी आंसर फाइंड आउट करने के लिए जो कि है 7. सो बच्चे को 7 फाइंड आउट करना है और उसे रेनबो कलर्स में. तो आपने अगर बच्चे को रेनबो कलर्स नहीं सिखाए हैं तो आप कोई दूसरा नंबर भी दे सकते हैं या फिर वो 7 कलर अगर वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है तो यहाँ पे उसे वो कलर करना है. देन नेक्स्ट है आई एम वेरी टाइनी. फाइंड मी 3 - 2. सो सबसे छोटा नंबर है 3 - 2. तो यहाँ पे बच्चों को सब्ट्रैक्शन करनी होगी जिसका आंसर होगा 1 और वो नंबर बच्चों को सर्कल करना है. सो इस तरीके से इसी एक शीट पे आप डेली अलग अलग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं और बच्चों को खेल खेल में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन बिफोर आफ्टर बिटवीन नंबर्स की कॉन्सेप्ट करा सकते हैं. है ना एक ये एक मज़ेदार एक्टिविटी. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी. चलिए तो लास्ट एक्टिविटी देखेंगे. तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो वॉवल्स पे बेस्ड है. तो यहाँ पे बच्चों को वॉवल्स फाइंड आउट करना है और उसे सर्कल करना है. उसके लिए कुछ बच्चों को वॉवल्स इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ आंसर फिगर भी दी हुई है. तो यहाँ पे बच्चों को ये पिक्चर आइडेंटिफाई करके इनके फोनिक साउंड भी बच्चों को बताने हैं. जैसे फर्स्ट है एंट, अ जो कि है वॉवल, अम्ब्रेला यू वॉवल, एलिफेंट ई, अगेन वॉवल, ऑयल ओ वॉवल, एंड लास्ट इग्लू आई वॉवल. तो आपको ये एक्टिविटी शीट्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा. चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. देखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी शीट जिससे हम बच्चों की रीजनिंग पावर बढ़ा सकते हैं.